वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शेर हयात की बर्थडे सेलिब्रेशन की कंप्लीट वीडियो, जिसमें शेर हयात ने बहुत सारा डांस भी किया है और बहुत सारे टिकटॉकर्स भी आए। डॉक्टर मदिया और एहसन आए, कवल और जुल्कनैन आए, मनाहिल मलिक और हारिस अली, इसके अलावा बहुत सारे और भी टिकटॉकर्स वगैरह सब आए। पिछली दफ़ा जो शेर हयात की बर्थडे हुई थी वो सैफ ने की थी और वहाँ पर इनको इंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी, लेकिन इनका जो है वो ब्रेकअप हो चुका है सैफ खान से। सो अब जो है वो इन्होंने अपनी बर्थडे खुद की, इनकी कुछ दोस्तें हैं उन्होंने मिलकर जो है वो सारा सेटअप ऑर्गेनाइज़ किया और शेर हयात ने डांस भी किया है। आप लोग देख सकते हैं कि शेर हयात किस तरह से डांस करती हुई नज़र आ रही हैं अपनी बर्थडे के मौके पे। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अपनी बर्थडे पे, सबको एंटरटेन किया, जितने भी लोग हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इनके डांस वगैरह को देख के, फन देख कर। और इन्होंने जो है वो बहुत सारी फोटोग्राफी कराई, इतना खूबसूरत कोई सेटअप इन्होंने किया था। जहाँ इन्होंने पहले बर्थडे सैफ ने की थी उसी जगह पर इन्होंने अगेन जो है वो बर्थडे अपनी सेलिब्रेट की है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि डॉक्टर मदिया और एहसन भी आए, और मदिया और एहसन काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है शेर हयात से, तो जब भी कुछ होता है तो शेर इनको बुलाती हैं और ये लोग उनको बुलाते हैं, तो इस तरह का सारा सीन होता है। और शेर हयात जो है वो बहुत खुश नज़र आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई है। अक्सर शेर हयात जो है वो ब्लैक पहनती है अपनी बर्थडे पर, इस बार जो है वो इन्होंने वाइट पहना। और कवल आफ्ताब माशाल्लाह हेल्दी हो गई हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं, इतने सारे लोग मौजूद थे, शेर ने डांस किया और फ़न किया और खाना भी बहुत सारा रखा था। और ये है कुछ डांस की क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि शेर हयात ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल के जो है वो डांस किया है, बहुत सारे सॉन्ग्स भी किया है। उनके डांस की जो फुल क्लिप्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ये तो फ़िलहाल मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ। और फिर जो है पहले डांस हुआ और सब कुछ हुआ, उसके बाद दोबारा शेर हयात ड्रेसेस वगैरह चेंज करके आई, फिर उन्होंने जो है वो केक कट किया ताकि जो लोग आए हुए हैं वो केक कट होने के बाद और खाना खाने के बाद चले ना जाए। तो उन्होंने सब कुछ खाना और केक शेक जो है वो एंड में रखा था और फिर केक कटिंग की इन्होंने। और इनकी अम्मी थी, इनकी बहन थी, इनकी पूरी फैमिली थी, इनके दोस्त थे और बहुत सारे टिकटॉकर्स थे, सब लोग आए, लेकिन जन्नत मिर्ज़ा नहीं आई। क्यों नहीं आई, इनका क्या रीज़न है, क्या सैफ की वजह से इनकी लड़ाई हुई है या क्या हुआ है, वो सब अभी तक कुछ नहीं पता। क्योंकि जब जन्नत लोग का सैलॉन ओपन हुआ था तो वहाँ भी शेर नहीं थी, तो इसका क्या रीज़न है वो सारी डिटेल आपको पता चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए इनकी केक कटिंग की वीडियो, जिसमें वो अपनी अम्मी के साथ मिलके जो है वो केक वगैरह कटिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।